हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे फजी लॉजिक सिस्टम का आर्किटेक्चर। सो फजी लॉजिक सिस्टम का आर्किटेक्चर को देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि फजी सेट थ्योरी क्या थी। सो फजी सेट थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय लॉटफी ए जदे एंड इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल फॉर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। अब जैसे कि हम नेचुरल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि, या बहुत रेयरली हम ये कहते हैं कि ये 100% ट्रू होगा। हम कहते हैं कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है। जैसे कि आप किसी मूवी को देखते हो तो आप कहते हो कि हाँ यार, ये मूवी इतनी अच्छी थी, या इस मूवी में ये ख़राब था, या ये मूवी इतनी ख़राब थी। तो ऐसी चीज़ें जो कि यस और नो के बीच में लाई करती हैं, उन सबको डिफाइन करने के लिए हम फजी सेट थ्योरी का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ टूल टू रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी एंड वेगनेस। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हाँ यार, ये इतना अच्छा हो सकता है या ये इतना ख़राब था। सो एक अनसर्टेनिटी है कि अच्छा है या नहीं है, या ख़राब है या नहीं है, और एक वेगनेस है इसके अंदर। ठीक है, सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दैट इट रिजेंबल्स ह्यूमन रीजनिंग एंड इट इन्वॉल्व्स दी पॉसिबिलिटीज इन्वॉल्व्स पॉसिबिलिटीज बिटवीन यस एंड नो। तो यस और नो के बीच की पॉसिबिलिटीज को इन्वॉल्व करता है। जैसे कि वो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पॉसिबली यस, सर्टेनली यस, एंड कैन नॉट से, एंड सो ऑन। सो अ फजी लॉजिक क्या है? इट इज़ अ मल्टी वैल्यूड लॉजिक दैट अलाउस इंटरमीडिएट लॉजिक वैल्यूज, जैसे कि पॉसिबली येस, सर्टेनली येस, टू बी डिफाइंड बिटवीन कन्वेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फजी सेट थ्योरी एंड फजी लॉजिक। अब इसके देखते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला तो जो करेक्टरिस्टिक है इसका, वो ये है दैट इट इज़ एन एग्जैक्ट रीजनिंग इज व्यूड एज लिमिटेड केस ऑफ अप्रॉक्सीमेट रीजनिंग। ठीक है, सो आप इसको नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम पॉइंट में काम आएगा। एग्जैक्ट रीजनिंग इज व्यूड एज लिमिटेड केस ऑफ अप्रॉक्सीमेट रीजनिंग। ठीक है, देन सेकेंड इज एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ डिग्री। इज अ मैटर ऑफ डिग्री। अब इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि कितने डिग्री तक हमारी वैल्यू सही है, या कितने डिग्री तक हम इस चीज को कह रहे हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देन नॉलेज इज इंटरप्रेटेड एज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। नॉलेज इज इंटरप्रेटेड एज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। एंड फाइनली इट इज एनी लॉजिकल सिस्टम कैन बी फजीफाइड। एनी लॉजिकल सिस्टम कैन बी फजीफाइड। ठीक है, सो ये चार करेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेबल हैं, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी फजी लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इन चारों करेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हो। नाउ लेट अस कम टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ फजी लॉजिक सिस्टम। सो फजी लॉजिक सिस्टम के आर्किटेक्चर में बेसिकली हमारे पास चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास सबसे पहले, दैट इज फजीफायर। ठीक है, सो होता क्या है कि जो इनपुट है आपका क्रिस्प इनपुट, वो जाता है फजी फायर के अंदर। ठीक है, अब ये करता क्या है फजी फायर, क्या करेगा ये, आपके सिस्टम के इनपुट को फजी सेट्स के अंदर
ट्रांसफॉर्म कर देगा. सो यू कैन राइट हेयर दैट इट ट्रांसफॉर्म्स, इट ट्रांसफॉर्म्स द सिस्टम इनपुट इनटू फजी सेट्स. ठीक है. सो जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक इनपुट है एक्स, तो हो सकता है कि ये इसको फजी सेट्स के अंदर इस तरह से ब्रेक कर देगा. लेट अस से एलपी, इसका मतलब है लार्ज पॉजिटिव. ठीक है, कुछ डिग्री के अंदर उसने उसको ब्रेक कर दिया. एमपी, मीडियम पॉजिटिव. देन एस, स्मॉल पॉजिटिव. एंड देन हो सकता है कि इसको इस तरह भी कर दे, एमएन, मीडियम नेगेटिव. एंड सेम एलएन, दैट इज लार्ज नेगेटिव. सो इस तरह से ये इनपुट जो होता है उसको फजी सेट्स के अंदर ब्रेक कर देता है, फजी फायर. देन द सेकंड इज इंटेलिजेंस. द सेकंड कंपोनेंट इज इंटेलिजेंस. ठीक है. सो द इनपुट गोज फ्रॉम फजी फायर इनटू द इंटेलिजेंस. और यहाँ पे इनपुट क्या जाएगा, जो आपके ये फजी सेट्स अब हमने बना लिए. सो यहाँ पे जो जा रहा है दैट इज फजी इनपुट सेट. ठीक है. सो बेसिकली ये जो इंटेलिजेंस है ये है क्या, इंटेलिजेंस वाला कंपोनेंट आपका एक इन्फ्रेंस इंजन है. इट इज एन इन्फ्रेंस इंजन. और ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है इनपुट की डिग्री और उसके रूल्स को. सो इट डिटरमाइंस मैचिंग डिग्री ऑफ इनपुट विद रिस्पेक्ट टू रूल्स. सो कुछ रूल्स जनरेट होते हैं जिसकी मदद से इन्फ्रेंस इंजन क्या करता है, जो इनपुट है उसकी डिग्री को मैच करता है. देन इंटेलिजेंस के अंदर अब हमने बात करी कि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. अब ये रूल्स आते हैं कहाँ से हैं, तो ये जो रूल्स आते हैं वो आते हैं आपके फजी रूल बेस से. सो हमारे पास एक कंपोनेंट है डेट इज फजी रूल बेस. और ये कंपोनेंट क्या करता है, ये इंटेलिजेंस वाले कंपोनेंट को रूल्स सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है. सो इसका जो इनपुट है दैट इज रूल्स. सो इसके बारे में भी आप लिख सकते हो फजी रूल बेस के बारे में दैट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स. इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड द इफ एंड कंडीशन एंड द इफ देन कंडीशन provided by experts to help decision making. ठीक है. सो कुछ रूल्स हैं जैसे कि अगर एक एट्रीब्यूट x उसकी वैल्यू अगर 5 होगी या 5 और 3 के बीच में होगी तो हम कहेंगे कि हम ये डिसीजन लेंगे. सो दैट इज फजी रूल बेस. ऐसे रूल्स का सेट होता है जो कुछ एक्सपर्ट्स बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं इंटेलिजेंस इंजन को, जो उसके बेसिस पे आपके इनपुट की डिग्री को मैच करता है. एंड द फाइनल इज डी फजी फायर. डी फजी फायर, अब इसमें जो इनपुट होता है दैट इज फजी आउटपुट सेट जो इस इंटेलिजेंस इंजन ने बनाए आपके. सो फजी आउटपुट सेट. और इससे आपको क्या मिलता है, सिंपल क्रिस्प आउटपुट डी फजी फायर से. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फजी लॉजिक सिस्टम आर्किटेक्चर. हम और भी वीडियोस बनाएंगे, देखेंगे, जिसमें हम फजी लॉजिक के बारे में बात करेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.